नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के निचली बस्तियों में बरसात के समय पानी ना भरे, इस हेतु नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश ध्रुव द्वारा मीटिंग के दौरान सभी को निर्देश दिए गए थे कि बारिश के समय किसी भी तरह से कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल जमाव ना हो। मानसून की आने की संभावना समय पर होने के कारण युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में जोन 2 कमिश्नर ईशा लहरे अपने दल के साथ वार्ड क्रमांक 23 और 25 में हुए नाली के ऊपर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंच गई। नालियों के ऊपर स्लैब बनाकर लोग पार्किंग का उपयोग कर रहे थे। पहले भी इन्हें हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन लोग नहीं माने। यह बात अच्छी रही कि स्थानीय निवासी भी नालियों पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण को तोड़वाने में सहयोग करने लगे। जिनके घरों में अवैध निर्माण किया गया था उनको समझाइश दे रहे थे। जिन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया। इसी बीच कई जगह विवाद की स्थिति भी निर्मित होती नजर आई। गौरतलब है कि बरसात के समय बुद्ध विहार के पास लगभग 50 घरों में पानी भर जाता है। अभी सूर्यकुंड के पास 10 लोग ऐसे मिले जो अपने सामने सरकारी पक्के नाले पर स्लैब बना लिए थे, जिससे सफाई नहीं हो पा रही थी। कचरा वहाँ जाम हो जा रहा था। ऐसे पक्के निर्माण को तोड़ा गया जिससे समुचित सफाई हो पाए। बुद्ध विहार एवं सूर्यकुंड के तालाब के आसपास रहने वाले लगभग 100 परिवार को आने वाले बारिश के दिनों में जल भराव से निजात मिल पाएगा। देखिए, जोन 2 में हमारी जोन कमिश्नर ईशा लहरे मैडम हैं और हमारे जो जोन के ZHO स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा जी और पूरे दल के साथ लोग गए हैं ऐसे जगहों पर, खास करके सूर्यकुंड एरिया जो है, बुद्ध विहार सूर्यकुंड एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नालियों के ऊपर अवैध कब्जा कर लिए थे और मक्की नालियाँ बना लिए गए थे। आयुक्त महोदय का निर्देश था कि बारिश के समय कहीं जल भराव ना हो, उसके पहले हमें साफ सफाई चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई थी इसके पहले कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण ना हो, सफाई चल ही रहा था। अब मौके पे जाके लोगों ने वहाँ पर स्लैब बना लिया है, जिसके कारण जो है सफाई व्यवस्था अवरुद्ध हो रही थी। हमारी जोन कमिश्नर जाके उसको हटवाई हैं और एक बहुत अच्छा है कि लोग भी, स्थानीय लोग जो पानी से मतलब जल भराव से परेशान रहे, वो लोग भी मौके पे पहुंच करके सामने वाले समझाइश दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने लग रहे हैं या अन्य कुछ लोग बागवानी भी कर ले रहे हैं नाली के ऊपर अपना स्लैब डाल के। तो ये सब मत करें। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो भी खर्चा लगेगा वो अवैध कब्जाधारी से लिया जाएगा। इसलिए आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें और हमें यह ध्यान देना है कि बारिश के समय में कहीं भी जल भराव न हो, उसमें बाधा कोई न डाले। निगम भिलाई में सभी जोन में नालियों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। आयुक्त तो देवेश ध्रुव ने लोगों से अपील की है कि सब लोग सहयोग करें और अपने अवैध कब्जों को स्वयं हटा लें, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जा सकती है। निगम द्वारा अवैध कब्जों को हटाए जाने का खर्च भी अवैध कब्जाधारियों से लिया जा सकता है। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।